बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग ज्योमेटिकल एसेंडेंस डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे बेटा? ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग डिस्कस कर चुके थे भैया एट एल्किन या इन एल्किन। क्लियर है बेटा? तो एल्किन में अगर कभी भी ऐसा कोई कंडीशन हुआ, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में दो ग्रुप अगर सेम हुए, राइट में या फिर लेफ्ट में एक ही कार्बन पे दो ग्रुप सेम हुए, तो कभी भी जीआई नहीं मिलेगा। मैंने कहा था अगर चारों ग्रुप अलग हैं एल्किन में, तो उस समय कौन सा आइसोमेरिज्म मिलता है बेटा? कौन सा आइसोमेरिज्म मिलता है उस समय? एजेड। एल्किन में कौन सा आइसोमेरिज्म मिलता है? एजेड। तो हेडिंग नोट को एजेड नोमेनक्लेचर। हेडिंग नोट करो ए एंड जेड। नॉमेनक्लेचर हेडिंग नोट करना बेटा ए जेड नॉमेनक्लेचर। आवाज क्लियर है ना बच्चा सभी को? हेलो, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ई टर्म्स और जेड टर्म यूज कब होता है? इफ इन द एल्किन एल्किन सेम मेटामर If in the alkene same priority containing group present same side then E term used for alkene. वैसे सॉरी जेड टर्म यूज फॉर एल्किन सेम टाइम हुआ तो सेम साइड हुआ तब तो जेड टर्म यूज हुआ तो ई टर्म क्या कब यूज होगा भाई? किसी को थोड़ा सा हिंट मिला? इफ इन द एल्किन सेम प्रायोरिटी कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट सेम प्रायोरिटी कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट अपोजिट साइड देन ई terms used for alkene. देखो क्या कह रहा है ये दोनों पॉइंट। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है बच्चों, इस कार्बन में आपको नंबरिंग करना है। मान लो ये ग्रुप ऊपर में वन है, इधर टू है, क्यों होगा कैसे होगा सब पता चलेगा। देन इस कार्बन पे भी नंबरिंग करना है। ऊपर वाला ग्रुप वन आ रहा है, नीचे वाला अटैच ग्रुप टू आ रहा है, तब इस समय इसको बोलते हैं जेड एल्किन। क्या बोलेंगे इसे हम? जेड एल्किन। अगर कार्बन से कंटेनिंग कोई ग्रुप है, डबल बॉन्डेड है, एल्किन है, नंबरिंग किए, एक साइड वन, नीचे वाला टू आ रहा है, यहाँ पे वन नीचे में है तो ऊपर में है, तो वन और वन अपोजिट है एक दूसरे का, तो इसमें कौन सा एल्किन बोलेंगे? ई एल्किन। कौन सा एल्किन बोलेंगे बच्चा इसे? ई एल्किन। तो समझ में आ रहा है प्रायोरिटी सीक्वेंस किसको देना है? तभी हम बोलेंगे ई एल्किन। ये फर्स्ट रूल था एंड सेकंड रूल का ये कंक्लूजन।
अब उसके बाद देखना हमको जो प्रायोरिटी सीक्वेंस है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, 1-2 नंबरिंग कैसे करना है. द प्रायोरिटी सीक्वेंस आइडेंटिफाई द सीआईपी रूल. कभी नाम सुने सीआईपी रूल का? नो सर. तो सी का है यहाँ पे कौन, ई फोर है इनगोल्ड और पी है प्रीलॉग. सीआईपी रूल कौन, इनगोल्ड प्रीलॉग रूल. तो ये होता है कि इसको देखो ये अच्छे से याद रखना, ऑप्टिकल आइसोमर्स में यूज होगा ये रूल. तो द प्रायोरिटी सीक्वेंस आइडेंटिफाई द सीआईपी रूल. द प्रायोरिटी सीक्वेंस आइडेंटिफाई द सीआईपी रूल. तो अब पूरे डिटेल डिस्कशन करते हैं सीआईपी रूल पे. सीआईपी या फिर कौन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल. कौन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल. इसमें कुछ पॉइंट्स, हम पॉइंट्स को नोट करते हैं भाई. तो ये कहता है जो प्रायोरिटी सीक्वेंस है उसको डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं एटॉमिक नंबर. द प्रायोरिटी सीक्वेंस सीक्वेंस आइडेंटिफाई फाइ on the basis of atomic number and highest atomic number containing containing element goes to first priority if it is directly connected to double bonded carbon alkene and chiral carbon. क्या होता है chiral carbon पे, एक छोटा सेंटर नोट कर लो, ठीक है ना. The all four valencies of carbon are different. ठीक है, बस इतना रखो, उसके बाद काम फिक्स कीजिए. एक पूरा टॉपिक ही चलेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स में काला कार्बन पे ही पूरा, तो वहां अच्छे से क्लियर जाएगा. तो कहने का मतलब है यहाँ पे प्रायोरिटी का सीक्वेंस किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे. तो बेटा एटॉमिक मास हाइड्रोजन, लेट मी इनका मैसेज आया किसी का, ठीक है देखते हैं. ये एटम्स है भाई, जो प्रायोरिटी सीक्वेंस है किस पर डिपेंड करता है बेटा, एटॉमिक
नंबर पे। तो एटम है हाइड्रोजन जो रिंग से अटैच्ड है, रिंग से बोलता हूँ, एल्किन वाले से ग्रुप से अटैच्ड है या फिर कायरल कार्बन से। कार्बन वाला कोई ग्रुप अटैच्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो बता बेटा इनका एटॉमिक नंबर क्या क्या है। 1, 6, 7, 8, 9। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसका जाएगा भाई, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा फ्लोरीन को। ऑप्शन को सेकेंड, इसे थर्ड, कार्बन को फोर्थ, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा? क्लियर है बेटा कैसे देखना है प्रायोरिटी सीक्वेंस? तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है ना, उसको फर्स्ट नंबर देंगे। क्लियर है बेटा? लेकिन वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए था। कहने का मतलब है क्या, डेट मीन्स देखो एल्किन है बच्चा, इस कार्बन पे दो ग्रुप है, एक एच है और एक सी एल है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है बेटा? सी एल का 17 है एटॉमिक नंबर और इसका 1 है। तो पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन को, और यहाँ पे ये सेकेंड। सिर्फ इस कार्बन पे भी दो ग्रुप होंगे, CH3Br। तो यहाँ पे पहला अटैच्ड एटम कौन सा ऊपर में बेटा, कार्बन है या हाइड्रोजन है? पहला अटैच्ड एटम कौन सा है? डायरेक्टली अटैच्ड बोला ना यहाँ पे, डायरेक्टली कनेक्टेड टू। तो डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? कार्बन। तो एटॉमिक नंबर 6, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से हाई होगा या लो होगा बेटा? हाई होगा। तो समझ में आया बेटा, यहाँ पे 1-1 कर रहा था, 1-1 सेम साइड है, तो इसको कौन सा एल्किन बोलेंगे? जेड एल्किन, 1 और 1, सॉरी जेड बोलता हूँ, कौन सा एल्किन बोलेंगे बच्चा? ई। 1 और 1 कहाँ, नीचे यार, 1 तो सॉरी जेड, 1 और 1 सेम साइड है, 2 और 2 सेम साइड है ऊपर की ओर, ठीक है ना, या फिर 1-1 नीचे की ओर सेम साइड है, तो उसको बोलते हैं जेड। तो समझ में आया कैसे यूज करना है बच्चा लोग? सी एल बी आर को एच एच। तो बताओ बेटा इस कार्बन का दो ग्रुप है, दोनों में फर्स्ट नंबर किसको दोगे? ब्रोमीन। बी आर को। ये सेकंड, इस कार्बन पे भी 1-2 करो, बताओ फर्स्ट किसको जाएगा? ऑक्सीजन। OH ऑक्सीजन को देखना है, पहला कनेक्टेड एटम, फर्स्ट कनेक्टेड एटम, ठीक है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड एटम, तो इसके बेसिस पे, तो किस मतलब OH को ही जाएगा, लेकिन इसके बेसिस पे ऑक्सीजन को देखना है, ये फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तब इसे कौन सा एल्किन बोलेंगे बताओ? तब ई एल्किन। समझ में आया बेटा, EZ का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? अभी इतना में नहीं हुआ है कंप्लीट, अभी और पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, CIP के अंदर फर्स्ट रोल क्लियर है सभी को? सेकेंड पॉइंट देखो, तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है भाई? अब देखो अगर आइसोटोप हो गया तब इधर H इधर D, दोनों आइसोटोप है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है ना बेटा, तो प्रायोरिटी किसको देंगे उसके लिए, ठीक है ना। इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट, इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट देन then parity of atom depends
on the mass of isotope. If isotopes are present, then priority of atom depends on the mass of isotope. That means isotope hydrogen, deuterium, tritium. Atomic mass सबका कितना बच्चा जेड का वैल्यू 111. मास कितना एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम पर मोल, 3 ग्राम पर मोल. यही है. तो प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या जाएगा बच्चों, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा बेटा, इसको जाएगा 1, इसे जाएगा 2, इसे जाएगा 3. ठीक है बेटा. तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा आइसोटोप के कंडीशन में. एच डी एच बी आर तो बताओ इस कार्बन का फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा बेटा, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हो गया. डी. अरे एटॉमिक मास हाइड्रोजन का ज्यादा होता है भाई ड्यूटेरियम से. नो सर. तो फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो. तो ये हो गया 1 और ये 2. इसमें किसको जाएगा बेटा 1 2 ब्रोमीन. तो 1 1 अपोजिट है तो कौन सा एल्कीन. ईएल्कीन. ईएल्कीन. यहाँ पे देखो तो 1 टी और टी और ये 2. यहाँ पे 1 2 तो कौन सा एल्कीन हुआ बेटा. ट्रिटियम. जेड एल्कीन. क्लियर है. सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट. इफ फर्स्ट अटैच्ड एटम आर सेम देन प्रायोरिटी सीक्वेंस. If first attached atom are same, then priority sequence depends on the atomic mass of next atom. If first attached atom are same, then priority sequence depends on the atomic mass of next एटम. इसको भी समझ लेते हैं बच्चा लोग. वो साइड का नोट कर लियो ना सब कोई. अब ये थोड़ी कि सभी एटम सेम हो भाई, मतलब अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं. कैसे है? देख लेते हैं एग्जांपल. देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट किसको मिलेगा बेटा, कौन से ग्रुप को फर्स्ट मिलेगा. OH को फर्स्ट, H को सेकंड. बट इस साइड देखो तो इसमें फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन. हाइड्रोजन. कार्बन. तो अब क्या करेंगे बेटा, पहले वाले एटम से डिसीजन क्लियर हुआ क्या. पहले से डिसीजन क्लियर हुआ क्या. नो सर. तो स्कूल में जब अटेंडेंस शीट बनाया जाता है, रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, तो उसमें ध्यान दिया होगा स्टूडेंट का नेम अगर सेम आता है तो क्या देखते हैं.
एटॉमिक मास ऑफ नेक्स्ट एटम, तब क्या होगा बेटा, ये दोनों का सेम है तो यहाँ पे नेक्स्ट एटम क्या है, इससे हाइड्रोजन, यहाँ पे नेक्स्ट एटम क्या है बेटा, इस कार्बन से अगला अटैच्ड एटम कौन सा, हाइड्रोजन है ना जी, इसमें सिर्फ इसमें क्या हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी है, तो प्रेफरेंस किसको जाएगा बेटा, बोलो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कार्बन का कि नहीं, कार्बन, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट और इसको बोलेंगे सेकेंड, ठीक है, तो कौन सा एल्किन होगा, ये जेड एल्किन। और कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा, तो यहां पे देखो फर्स्ट एटम यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो इसको जाएगा फर्स्ट, इसको जाएगा सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ पे पहला एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, डिसीजन क्लियर होगा क्या, नहीं होगा, तो बाद वाला एटम क्या है यहाँ पे, कार्बन, हाँ कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली है ना, तो उसको देखेंगे फर्स्ट इसको जाएगा और इसको सेकेंड, तो कौन सा एल्किन होगा, ये एल्किन। तो समझ में आया, इस स्टेंट का मतलब अगर पहला एटम सेम है तो प्रायोरिटी सीक्वेंस डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक मास ऑफ नेक्स्ट एटम, ठीक है बेटा, लो फोर, इफ सेम एलिमेंट या एटम अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, देन प्रायोरिटी गोज टू फर्स्ट ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, देन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, नोट करो फिर समझते हैं ये वाला पॉइंट को, जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा लोग, तो देखो बेटा लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा था, पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा बेटा, इधर इन दोनों में OH और BR में, क्लियर है, इन दोनों में क्या जाएगा, देखो बेटा ये अच्छा, इनमें सभी एटम एक जैसे ही है ना बेटा, कार्बन कार्बन, नेक्स्ट एटम भी कार्बन, नेक्स्ट एटम कार्बन, तो कंफ्यूजन क्लियर होगा क्या, कंफ्यूजन क्लियर होगा क्या बेटा प्रायोरिटी का, तो उसके लिए हम लोग फोर्थ रूल देखेंगे, तो फोर्थ रूल कहता है ट्रिपल बॉन्ड डबल और सिंगल बॉन्ड में सबसे पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये फर्स्ट, आईयूपीएक नेमिंग वाला मत कर लेना बेटा, आईयूपीएक नेमिंग में हम लोग डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देते हैं उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है ना बेटा,
करेक्शन कर लेना, जो भी मैंने पहले शायद ट्रिपल बॉन्ड बोला था, लेकिन आई पेक नेमिंग में पहले डबल बॉन्ड को उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना बेटा? करेक्शन कर लेना, हम ट्रिपल बॉन्ड को पहले नोट करवा दिए थे, बट यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को पहले देते हैं। किसको प्रेफरेंस पहले देना बेटा? ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये कौन सा एल्कीन हो गया? ई। वैसे और कुछ कर लेते हैं बेटा, डबल बॉन्ड है तो नीचे कर लेते हैं सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू। तो यहाँ पे किसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये सेकंड और ये फर्स्ट। तो ये भी जेड एल ई एल्किन है। कौन सा एल्किन है बेटा? ये भी ई एल्किन। क्लियर है ये टर्म्स? ई जेड क्लियर है कि नहीं बेटा? इन दोनों में किसको प्रेफरेंस आएगा बेटा? इस साइड वाले बोल रहा हूँ, सी एस टू हो गए, चल इसमें जिसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, हो गया ना एकदम। पढ़ लिया तुम लोग, क्या डॉक्टर बनेंगे रे तुम लोग, ऐसा कर देते हो। कार्बन नेक्स्ट एटम, ऑक्सीजन कार्बन बेटा सेम होगा तब ना देखना है, नहीं तो पढ़ो। ये दोनों सेम है क्या? नो। तो फिर इन दोनों बताओ, सी एच ओ को या सी एच टू ओ एच को? ऊपर वाला CH2OH, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, फिर डायलॉग आना पड़ेगा। क्या डॉक्टर बनोगे रे तुम लोग बेटा? CHO मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड डबल बॉन्ड है, CHO मतलब एल्डिहाइड होता है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, सेम ग्रुप है, सेम एटम है, सेम ग्रुप नहीं सेम एटम है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से, तो पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा? किसको जाएगा पहला प्रेफरेंस? डबल बॉन्ड वाले को ना। क्या बात है, यहाँ पे जितने भी एल्किन बन गया गलती से ही एल्किन ही बना। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो पॉइंट लिखा हुआ उसको अप्लाई करने भी आना चाहिए ना। डबल ट्रिपल और सिंगल में ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, लेकिन तब जब सेम एटम अटैच्ड है, ग्रुप नहीं सेम एटम। तो थर्ड में एटम सेम है, फर्स्ट में एटम सेम है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड में वहां पे राइट साइड में फर्स्ट सेकंड क्यों किया, वहां पे क्लियर है ना सभी को? राइट और लेफ्ट साइड में क्यों फर्स्ट सेकंड आया? किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है फोर्थ वाले में तो पूछ सकते, नहीं तो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। तकलीफ है क्या? बस एक लास्ट रूल्स बचा है, फिर ये सीआईपी कंप्लीट। संडे का टेस्ट टॉपिक पता है ना, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? ओके सर, थर्मोडायनेमिक्स है। हाँ बेटा, फिफ्थ रूल। सर सब्जेक्टिव नोट? हाँ सब्जेक्टिव है ना सर, सीबीएसई में नहीं है ना ये चैप्टर? सीबीएसई में नहीं है, स्टेट बोर्ड में है। तो क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप
or a taste. तो साइक्लिक ग्रुप अटैच होगा तो क्या करना बेटा, थोड़ा सा अब इसको बताया नोट रिटर्न में कराना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, एक्सप्लेन ही करना होगा और जिसको जैसा समझ में आ रहा वैसा खुद से नोट कर लेना। इसमें जीआई मिलेगा बेटा, कैसे इसमें आप छह टाइप के कंपाउंड को तो जीआई भी नहीं करवाया, पूछ सकता है। तो मुझे बताइए इसमें फर्स्ट सेकंड किसको मिलेगा, बताओ इस कार्बन का फर्स्ट सेकंड ब्रोमीन को फर्स्ट, हाइड्रोजन को सेकंड। ब्रोमीन को फर्स्ट, हाइड्रोजन को सेकंड, ये तो क्लियर है सबको। अब इस साइड वाले में किसको फर्स्ट सेकंड, नीचे वाले को या ऊपर वाले को, इसके लिए हमको क्या करना है, दूसरे स्ट्रक्चर में इसको चेंज करना है। HCBR कहीं से भी रेंडमली नंबरिंग कर लो, कहीं से भी एक सीक्वेंस में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर आई यू पिक नहीं करने है, क्या 1 2 3 4। अब क्या करना है, नीचे का ब्रांच के लिए कौन कौन सा कार्बन आएगा मित्र, नीचे में फर्स्ट कार्बन 1, उसका कौन सा कार्बन आएगा सेकंड, उसका कौन सा कार्बन आएगा 3, उसका कौन सा कार्बन आएगा 4। वापस इसी पर आ जाएगा ना बेटा, जो बनाना चाह रहा हूं दिख रहा है सभी को, 1 2 3 क्यों लिया हूं मैं, 1 2 3 नीचे से जाओगे तो क्या होगा, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, तो 1 2 3 4 आया, यहां से तोड़ दिया मैं, तो ये बनेगा नीचे वाला ब्रांच में, क्लियर है। नीचे वाले ब्रांच में क्या आएगा, पहले 1 कार्बन आएगा, सेकंड वाला आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ कार्बन आएगा, क्लियर है कि नहीं बेटा। वैसे ऊपर वाले ब्रांच की ओर देखो तो क्या क्या मिलेगा, पहले कौन सा कार्बन आएगा ऊपर वाले ब्रांच पे, पहले कौन सा कार्बन आएगा बताओ जल्दी, 4 3 2 1 लगा लो यहाँ पे, 2 पे क्या है OH, यहाँ पे OH कहाँ नीचे में, ये ब्रांच बनाने आया कि नहीं आया बेटा, ये ब्रांच बनाने आया कि नहीं आया बताओ, आया। और दूसरे कंपाउंड्स देख रहे हैं तो अब समझ में आ गया, ये 1 है और ये क्या है 2, सेकेंड है और ये फर्स्ट है, इसमें से किसको 1 और 2 दोगे बच्चा, जिसमें OH पहले लग रहा, OH पहले आया ठीक है ना, पहला एटम सेम, दूसरा एटम सेम, तीसरा एटम कार्बन, यहाँ पे OH, तो ये फर्स्ट और यहाँ पे OH लास्ट में आया, तो ये सेकेंड, तो यहाँ पे AZ हो जाएगा, ZLK। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, ऐसा कर लेते हैं डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है ना, कहीं से भी नंबर निकल आपके और ऊपर से, ये 1, ये कार्बन 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो H CH3 तो बेटा इसमें कौन सा कार्बन, तो बेटा बताओ कौन सा कार्बन पहले कहां
क्या मिलेगा ऊपर में जाएंगे तो कौन सा ब्रांच पहले मिलेगा मतलब कारण ऊपर में कौन सा पहले मिलेगा वन टू थ्री फोर फाइव नीचे जाने पे फाइव फोर थ्री टू वन थोड़ा सा ट्रिकी है बस डबल वन कहा है टू और थ्री में क्लियर है तो बताओ पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा जिसमें डबल बॉन्ड पहले है डबल बॉन्ड है ठीक है ना तो इसको क्या जाएगा इसे जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस और इसे जाएगा सेकंड ये वन और ये टू ये कौन सा एल्कीन होगा बच्चा ई एल्कीन तो नंबरिंग कर लो कहीं से भी वन टू थ्री फोर बेटा कौन सा ऊपर वाले में कौन सा मिलेगा नंबर फर्स्ट वन टू थ्री फोर यहाँ पे फोर थ्री टू वन कहाँ कहाँ पे क्या है भाई टू पे बी आर थ्री पे बी आर यहाँ पे टू पे बी आर थ्री पे बी आर तो बेटा बेटा यहाँ तो ये हो गया वन और ये हो गया टू उस साइड वन टू कर सकते हैं क्या नो सर नहीं कर सकते दोनों सेम है ना तो दोनों सेम होगा तो इजेंट होगा ही नहीं ना बेटा क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएगा भी नहीं तो दिस कंपाउंड डज नॉट सो ई मतलब जी आई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ठीक है ना बेटा isomerism hence E and J naming not used for this compound तो G E J कब कर सकते हैं बेटा जब geometrical isomers बनाएगा E J कब कर सकते हैं जब क्या बनाएगा बेटा geometrical isomers अब geometrical isomers बन ही नहीं रहा है तो बांस है ही नहीं तो बांसुरी बनेगा क्या इसमें जीआई नहीं होगा ठीक ना बेटा तो अगर इस टाइप का साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें जीआई नहीं होगा कि होगा बता सकते हो ना आप देखकर इस तक बोल दिया जीआई है कि नहीं तो इसमें जीआई है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं है, है। लेकिन अगर इसमें पूछा जीआई होगा कि नहीं होगा तब क्या होगा क्रॉस देखने का तरीका क्या है इस तरह से ब्रांच बना लेना कर लोगे सब वही रूल है वही फॉर्मूला सब वही चीज है बेटा ठीक है ना बस आपको दो ब्रांच देखना है एक ऊपर और एक नीचे में तो कौन सा इस तरह से देख लोगे क्लियर है सभी को तो ये था हमारा सीआईपी रूल जो यूज होता है किसके लिए इजेनोमेक्लेचर के लिए एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी में आरएस के लिए वो ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ेंगे अभी फिर इजेड तो यहाँ तक किसी को दुख दर्द कोई तकलीफ है तो पूछ सकता है बेटा आज बस यहीं तक देखेंगे किसी को दुख दर्द कोई तकलीफ बेटा ये ब्रांच बनाने में किसी को कोई तकलीफ हो रहा है क्या कुछ नहीं यहाँ से ये यहाँ से तोड़ के सीधा कर दो सेकेंड टाइम यहाँ से तोड़ो और इसको सीधा कर दो क्लियर है ना बेटा नीचे का बनाना है तो यहां से ब्रेक करो और इसको उठा के ऐसे सीधा रख दो ऊपर का बनाना है तो यहां से ब्रेक करो और इसको उठा के ऐसे सीधा बना दो तो बन जाएगा हेलो हो जाएगा सभी से बच्चा इजेड नॉमेनक्लेचर अब
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? यस सर, हो जाएगा सर। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में यही पांच रोल और फिर से नोट नहीं करवाएंगे हम, ठीक है ना? एक ही बार नोट करवा दिया, तो अच्छा से याद रखना। आज की सेवा करते हैं पे समाप्त, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर।